ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बाहिजाब सेनेटर की धमाकेदार एंट्री। फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की पहली हिजाबी सेनेटर बन गई हैं। सत्ताईस साल फातिमा पैमान ने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बाहिजाब सेनेटर बनकर तारीख रकम कर दी है। ज़राए के मुताबिक फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हिजाब पहनने वाली पहली खातून सेनेटर बनी है। पार्लियामेंट में सेनेटर फातिमा अपनी पहली तकरीर के दौरान अपने वालिद की कुर्बानियों के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने अपने खानदान और अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। टैक्सी ड्राइवर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक की मुलाजमत की। मुस्लिम सेनेटर ने सवालिया अंदाज में कहा, किसने सोचा होगा कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली एक नौजवान लड़की और एक मुहाजिर की बेटी आज इस पार्लियामेंट में खड़ी होगी। इस दौरान फातिमा ने अपने हिजाब के बारे में खदशात को भी दूर किया और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हिजाब पहनना उनकी पसंद है। Let alone 10 years ago, would this parliament accept a woman choosing a hijab? To be elected. उन्होंने कहा कि वो लोग जो मुझे मशवरा देते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए वो जान लें कि हिजाब मेरा इंतखाब है। मैं तरक्की पसंद हूँ और मैं जदीद ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदा हूँ। But for those who choose to advise me about what I should wear or judge my competency based on my external experience, know that the hijab is my choice. I want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride.